वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ ही साउथ इंडियन स्टाइल चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि डोसे के साथ सर्व की जाती है, इडली के साथ और बहुत सारी साउथ इंडियन डिशेस के साथ सर्व की जाती है और बहुत ज़्यादा यमी लगती है, अनियन टोमेटो चटनी। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं ये रेसिपी, जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 4 मीडियम साइज के टमाटर, 2 प्याज मीडियम साइज के, 2 बड़ी लहसुन की गलियाँ हैं, अगर आपके पास छोटी हो तो आप 4 से 5 ले सकते हैं। यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है और यहाँ पर लिए हैं मैंने 5 लाल मिर्च, इनके बीच निकाल दूंगी ताकि ये तीखी ना लगे, 3/4 टीस्पून नमक और तड़के के लिए इसमें जाएगा 1/2 छोटा चम्मच धुली हुई उड़द की दाल यानी कि सफ़ेद वाली दाल। ये दोनों दालें कच्ची हैं, इनको इसी तरह से भून करके तड़के में डाला जाता है। और चने की दाल 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून सरसों या मस्टर्ड सीड्स, करी पत्ता 8 से 10, इसके लिए यूज़ होगा थोड़ा सा ऑयल। तो आइए चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्याज और टमाटर को चॉप कर लूँगी, तो मैंने इन सभी चीज़ों को मोटा मोटा चॉप कर लिया है। अब हम चटनी बनाना शुरू करेंगे। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा इसमें हम प्याज डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे और साथ ही में अदरक डाल देंगे और इनको कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे इस तरह से। और इसी के साथ में ये लाल मिर्च डाल दूंगी जिसमें से मैंने बीज अलग कर दिए हैं, इसको भी भून लेंगे। बस प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनना है। तो जब तक ये भून रहा है तब तक हम इसी पैन में साथ ही में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें डाल देंगे ये चने की दाल, धुली उड़द की दाल, इनको भी हल्का सा भून लेंगे। आप चाहे तो इन्हें पहले भी भून सकते हैं, बट ये इस तरह भी साथ ही में रोस्ट हो जाती हैं, क्योंकि कई बार हम पहले डाल करके भूनते हैं तो बाद में वो ज़्यादा ब्लैक सी होने लगती हैं और चटनी का टेस्ट बदल जाता है, तो इसलिए मैं इस तरह से भूनती हूँ इसे हमेशा। तो ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, दाल भी भून चुकी है। अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे जो कि हमने चॉप करके रखे हैं, इनको भी मिक्स कर लेंगे। चटनी में अच्छे कलर के लिए 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, अगर आपको नमक कम लगे तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते, तो इसे 5 मिनट के लिए ढक करके पका लेंगे। तो मैं इसे कवर कर दूंगी और 5 मिनट के बाद चेक करूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेंगे, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे पीसेंगे। तो ये चटनी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, हम इसको पीस लेंगे। इसके लिए मैं इसे मिक्सर के जार में शिफ्ट कर दूंगी। देखिए मैं इसे पीस लूँगी। तो मैंने चटनी पीस ली है, अब हम इसे तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए मैंने सेम पैन लिया है, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ऐड करें। इनके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच सरसों या राई, इसको फ्लटर होने देंगे यानी फूटने देंगे अच्छे से। जैसे ही राई चटकने लगेगी हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर मैंने देगी मिर्च ली है ताकि चटनी में अच्छा सा कलर आ जाए। और हम इसमें डाल देंगे 8 से 10 करी पत्ते और अब हम डालेंगे इसमें ये जो चटनी हमने रेडी करके रखी है ये डाल देंगे। पैन में थोड़ा सा पानी डाल करके इसको इस तरह से निकाल लेंगे सारी चटनी और इसको एक बार मिक्स कर देंगे।
देखिए कितनी ज़्यादा यम्मी दिख रही है। तो चटनी में उबाल आ गया है, चटनी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो अब हम चटनी सर्व कर लेंगे। ये चटनी ठंडी होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं इसकी थिकनेस जो है। तो चटनी बिल्कुल रेडी है, मैं इसे करी पत्ते से गार्निश कर दूंगी। बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रही है। तो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर योर फीडबैक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय द रेसिपीज। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय।